हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विथ जनरल अवेयरनेस जीके जीएस के कुछ सवाल, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो आपको एकदम बेसिक से सीखने की जरूरत है। और सारी चीजें आप सीखोगे, कोई भी क्वेरीज हो आपको, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए या मंथ के एंड में सारे पीडीएफ आपको एक साथ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरोज न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेम, इसरो का नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अभी रिसेंट में इसरो के कई सारे प्रोग्राम्स आए हुए हैं और ये उसी से रिलेटेड है। तो इसका नाम क्या है? EOS-04। देखो, मैं इसको इजीली याद करा देता हूं आपको। EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, है ना। और ये जो है ये इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो की जो कमर्शियल आर्म अभी बहुत न्यूज में थी। कमर्शियल आर्म क्या होता है? देखो, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई एक फैक्ट्री लगाता है तो वो चाहता है ना कि उसकी कमर्शियल एक आर्म हो, उसका एक सप्लाई चेन हो जो उसकी चीजों को बेच सके। तो इसरो ने भी एक ऐसा कमर्शियल आर्म बैठाया, उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, आई थिंक सब कुछ क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी बताइए? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के जो चेयरमैन का मैंने नाम पूछा था तो बताइए, आज भी समय है लाइव, जो लोग बच्चे देख रहे हैं वो बता दे, डेली सुबह 7 बजे ये वीडियो आ जाती है, आपको देखना है। इसरो के करंट चेयरमैन का नाम आपको बताना है। ESIC, न्यू हॉस्पिटल मेड इन विच प्लेस, ESI का नया अस्पताल किस स्थान पर बनाया गया है? और ये बनाया गया मानेसर हरियाणा। ESIC क्या है? पहले लिख देता हूं मैं, हरियाणा है ना, और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ एक और राज्य की राजधानी आपको बतानी है। अब ये देख लीजिए, ये मानेसर जो है इसमें ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसको कहते हैं। और ESIC का ये काम होता है कि एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय से रिलेटेड उनके बेनिफिट्स का भी ध्यान रखे। ये एक गवर्नमेंट की संस्था है, आपने देखा होगा। तो मानेसर हरियाणा में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रांट्स ₹1,155.90 करोड़ टू अर्बन लोकल बॉडी। अगर हिंदी में हम लोग देखें, वित्त मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को 1154.90 करोड़ रुपए का अनुदान दिया? ये जो स्टेट है ये है आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार और सिक्किम। यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और सिक्किम, चारों स्टेट को हम लोग देख लेते हैं मैप में, है ना। ये हो गया आपका कौन सा, देख लो, आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले बात की गई थी गुजरात की, तो ये हो गई गुजरात, ठीक है जी। और आपके सामने ये है गुजरात, ये है मध्य प्रदेश, और आंध्र प्रदेश हो गया ये, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और ये हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। बिहार की बात की गई थी तो बिहार ये हो गया, बिहार की राजधानी पटना, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा एक स्टेट कौन सा बच गया? ये बच गया सिक्किम। जो सिक्किम जो है वो है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, और ये छोटा सा स्टेट जो आपको दिख रहा है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है, इसे चिकन नेक भी इंडिया के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर इस पे चाइना ने कभी कब्जा कर लिया तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंडिया के लिए नुकसान होगा। इसलिए इसे देखो एकदम, मतलब नहीं कहते हैं चिकन नेक, मतलब चिकन मुर्गे की गर्दन की तरह है, और इसीलिए इसे कहा जाता है। भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने का ये ही एक जरिया है ना। नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स, और सेवन सिस्टर्स की स्टेट्स का नाम आपको पता होना चाहिए, उनकी खासियत भी पता होनी चाहिए। चलिए एक झलक आपको दिखा देते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, यानी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये असम आपको जो दिख रहा है, ये असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा। और ये नेशनल पार्क काफी ज्यादा फेमस है किसके लिए? वन हॉर्न राइनो के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए।
असम में ब्रह्मपुत्रा नदी बीचों बीच क्रॉस करती है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी एंटर कहाँ करती है? एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, क्लियरली सभी चीजें आपको देखनी है। ये आपका रह गया अरुणाचल प्रदेश। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा जूम मैंने कर दिया ताकि आपको क्लियरली दिखे। अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में एंटर करती है ब्रह्मपुत्रा नदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। और त्रिपुरा हो गई अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी हो गई अगरतला। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपने रिसेंटली पढ़ा था 1 से 2 दिन पहले कि बांग्लादेश ने और त्रिपुरा ने हार्ट सुविधा किया है, जिसका नाम क्या है? बॉर्डर हार्ट। बॉर्डर हार्ट अभी किस किस देश और राज्य में बना है? तो ये जाहिर सी बात है बांग्लादेश के बगल में जो होगा वही बनेगा। और बांग्लादेश को भारत 3 इलाकों में से अगर देखा जाए तो 3 तरफ से वो घेर लेता है, कैप्चर कर लेता है। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या? ईस्ट पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएस रीओपन एम्बेसी इन विच कंट्री। यूएस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका की बात हो रही है। इसने किस देश में अमेरिकी दूतावास फिर से खोला है? सोलोमन आइलैंड की हम बात करेंगे। सोलोमन आइलैंड क्या है? दुनिया में आपको मैं ऐसा कुछ मैप में दिखाने वाला हूं जो कि आपके आगे की क्लासेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको सारे करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराएंगे। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज में देश हैं जिनको हम एक साथ देखेंगे। जैसे ये सोलोमन आइलैंड आपको याद रखना है, यहाँ दूतावास अमेरिका ने फिर से खोला है। इंडिया WPI इंडेक्स। अब WPI इंडेक्स जनवरी मंथ के लिए जारी की है सरकार ने। और ये WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या नाम है इसका? होलसेल प्राइस इंडेक्स। और CPI को क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स न्यूज में आपको दिखा भी होगा, आएगा भी आज के पेपर में। अब ये कंज्यूमर्स के लिए जो प्राइस इंडेक्स, इसको मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ। ये डीप इकोनॉमी की चीज है। कुछ बास्केट्स ऑफ थिंग्स होती हैं जिनका प्राइस अगर बढ़ता है तो महंगाई उतना बढ़ जाता है। मान लो एक बास्केट में 100 सामान है, 100 सामान का अगर 2-2% बढ़ा तो हम मान लेंगे कि 2% की महंगाई बढ़ गई है। वही होती है जो सामान कंज्यूमर के लिए है तो वो CPI इंडेक्स होता है। लेकिन WPI इंडेक्स कब होगा? जब वो होलसेल मार्केट की चीजें होंगी, जैसे क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल है ना, वो बढ़ेंगी तो WPI में काउंट होगा। वो डीप इकोनॉमी जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें आपको बताऊंगा। रेपो रेट जो है अभी है 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%। ये क्या है? ये अभी रिसेंट में जो था वही है, ये चेंज नहीं हुआ है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली लाइक शेयर एंड कमेंट जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। और अगर चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। क्योंकि बहुत लोग को रहता है कि छूट जाता है हमारा, टाइम से देख नहीं पाते। 7 बजे इज द रियल टाइम, आप जब भी आओ 7 बजे देख सकते हो। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन एनिमल टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। पशु परीक्षण प्रयोगों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा? ऐसा देश है जो पशु जो होते हैं ना, एनिमल्स, उन पे प्रतिबंध लगाने में पहला वो देश मानेंगे। ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने क्या किया है कि जो भी संस्था थी या ऑर्गेनाइजेशन थी या गवर्नमेंट थी जो एनिमल क्रुएल्टी करती थी, उन पे एक्सपेरिमेंट करती थी लैब में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत दिन पहले एक साइंटिस्ट था, वो मतलब एक ही दिमाग से 2 डॉग्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और काफी दिन तक वो डॉग दोनों जिंदा भी रहे, एक ही दिमाग से कंट्रोल भी उन्होंने किया था, लेकिन वो अल्टीमेटली मर गया और बहुत क्रूएल सीन था वो। तो स्विट्जरलैंड ऐसा देश बना है जिसने एनिमल पे कोई भी टेस्ट करने से मना कर दिया है। तो दूसरा देश हमारे पास क्या हो गया? स्विट्जरलैंड। अगला देख लेते हैं, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष ये बन गई हैं गीता मित्तल। गीता मित्तल बन गई है भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर है? मतलब कोई भी आदमी अगर इंडिया में आ जाता है और उसे व्यवसाय शुरू करनी है तो वो
उसमें भारत की रैंकिंग है जैसे 10, 20, 50, क्या रैंकिंग है, कितने तेजी से वो शुरू कर पाएगा। तो ये है चार, मतलब जो टॉप थ्री के देश हैं जैसे दुबई, नीदरलैंड और स्वीडन में, इन तीनों में बिजनेस स्टार्ट करना हो तो जल्दी हो जाएगा, और इंडिया में इनके बाद होगा। ठीक है, ये रैंकिंग भी आपको ध्यान रखना है। देखो रैंकिंग बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है, आप रिवीजन करोगे, रोज पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। भेड़ पालन में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जम्मू कश्मीर ने एमओयू साइन किया है न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड कहाँ है मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और सोलोमन आइलैंड, एक एक करके हम लोग देखेंगे। किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? कोआला एक लुप्त प्राय यानी कि एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया है ऑस्ट्रेलिया में, वो अब लुप्त होने के कगार पे हो गया, उसकी संख्या इतनी कम हो गई है। अब जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आज का सवाल है, भारतीय नौसेना की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 2022 किस स्थान पर आयोजित होगा? चार ऑप्शन है, पिछले वीडियो में, पिछले दिन के करंट अफेयर्स में मैंने इसका आंसर बताया था, सो काइंडली इसका आंसर जरूर करिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग मैप पे, आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों मैप है, मैं फिलहाल इंग्लिश ले लेता हूं, और आपको दिखाना है सोलोमन आइलैंड पहले जिसकी बात हुई थी। तो ये रहा सोलोमन आइलैंड, कौन सी जगह है ये, सोलोमन आइलैंड है ना। अब ये सोलोमन आइलैंड है कहाँ, ये पैसिफिक ओशियन में, आपको ऑस्ट्रेलिया की भी बात हुई थी, ये रह गया ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी कहाँ है, मेलबर्न, जहां क्वाड समिट हो रहा था, और इंडिया में क्वाड समिट में कौन गया था भाग लेने, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ये गए थे भाग लेने, है ना, और ये कहाँ हो रहा था, मेलबर्न में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सोलोमन आइलैंड कहाँ है, पैसिफिक आइलैंड में। मैं पूरे दुनिया का मैप आपको दिखाता हूं, कितना इजी है पढ़ना, इसे याद करना। आप लोग अभी तक ये जानते होंगे कि दुनिया में ओशियन कितने हैं, मैं सबको दिखाऊंगा आपको। आप मान लो याद करने का सबसे बेटर तरीका मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, इसलिए दिल में मान लेना है ये बात, ये याद हो जाएगी आपको यहीं पे। इंडिया के वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है यानी प्रशांत महासागर है, किस साइड में, सॉरी पूर्वी साइड में। इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, इंडिया का मैप अगर आप देखोगे, इसके ईस्ट में है जापान, और यही जापान प्रशांत महासागर में है, और इसकी अगर पश्चिम में बात करें वेस्ट एशिया के बाद, तो ये वाला इलाका जो है ना, ये वाला इलाका, इस पे आपको ध्यान अभी नहीं देना है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं एक चीज, दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं वो इन्हीं एरिया में पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, देखो चारों तरफ से समुद्र है, और जो इंग्लैंड था उससे भारत गुलाम भी बना इसी रास्ते की वजह से, और बाद में ये रास्ता भी एक बन जाता है, तो कुछ चीजें आपको हिस्ट्री से जोड़ के रखनी चाहिए। चलिए अब बताना है आपको कि प्रशांत महासागर किस साइड में है, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं कमेंट जरूर करिए। ये हो गया ईस्ट साइड का पार्ट, और ये हो गया वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर कहाँ है, वेस्ट में, ईस्ट में है प्रशांत महासागर। ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशियन, और नीचे क्या है, अंटार्कटिका। अब इंडिया किसको नहीं याद है बताइए, इंडिया आई थिंक सबको याद है, और ये जो इंडिया का इंडियन ओशियन आपको दिख रहा है, इंडियन ओशन, ये है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। सेम चीज है यहाँ, आपको मैप में दिख रहा होगा हिंदी वाले में। अब आते हैं हम लोग, स्विट्जरलैंड की बात हमने की थी, न्यूजीलैंड की बात की थी, तो दो देशों को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी कहाँ है, बर्न, और दूसरा जो है न्यूजीलैंड, नीदरलैंड आपको दिख रहा है। और अगली जो क्लास आती है हमारी, उसमें एक एक कंटिनेंट को हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि मैं कम टाइम में ज्यादा नॉलेज देना चाहता हूँ। और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट हमारी जरूर विजिट करिए, अगर आपको मैप पे समझ बनानी है एकदम बेसिक से, प्लीज जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से। ठीक है, आइए न्यूजीलैंड मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के नीचे। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमेंट जरूर करिएगा, बाय फॉर नाउ।